जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जापान की ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसी है कि यहाँ बहुत भूकंप आते हैं। ये फोर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, द पैसिफिक, द फिलीपीन, द यूरेशियन एंड द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के ऊपर स्थित है। ये प्लेट्स लिक्विड रॉक पर स्लाइड करती है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जापान में हर साल औसतन करीब 5000 अर्थक्वेक आते हैं, परंतु भूकंप जैसी बड़ी आपदा के बाद भी जापान के विकसित होने का कारण है उनकी टेक्नोलॉजी। जापानी घरों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा डिजाइन किया जाता है कि भूकंप के झटकों से अधिक नुकसान ना हो, लेकिन ये तरीका इतना भी कारगर नहीं है। भूकंप के तेज झटके इन मजबूती से बने घरों को भी झकझोर जाते हैं। लेकिन अब इस बात का भी तोड़ जापान ने निकाल लिया है। जापानी लोगों की इस खोज से तो आप दंग ही रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं फ्लोटिंग हाउस की। इन घरों की खासियत ये है कि भूकंप के समय ये हवा में उठ जाते हैं और पृथ्वी के कांटेक्ट में न रहने के कारण जान और माल की क्षति नहीं होती। हो सकता है ये बात आपको सुनने में असंभव लगे, लेकिन करीब एक दशक पहले ही जापान में ये आविष्कार हो चुका था। लेकिन जापान में इसने लोगों का ध्यान 2011 में भयानक भूकंप आपदा के बाद आकर्षित किया। ये घर एयर टेंशन सिस्टम्स के डिजाइनरों द्वारा बनाया गया है, जिसमें घर के नीचे एक पावरफुल कुशन लगा होता है जो जरूरत के समय घर को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने में मदद करता है। जैसा कि हम जानते हैं, भूकंप इसलिए और खतरनाक हो जाता है क्योंकि इसका कोई पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस नए घर में ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जो सेस्मिक एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें एयर कंप्रेसर एक्टिवेट हो जाते हैं और कुशन और घर की निचली सतह के बीच हवा भर जाती है और करीब 90 सेकेंड्स की अवधि के लिए हवा में रहता है। वैसे तो आपको ये समय काफी कम लग सकता है, लेकिन भूकंप जैसी आपदा जो कुछ ही सेकेंड्स के लिए होती है, ऐसे में 90 सेकेंड्स का ये समय इंसान को संभलने का मौका देने और क्षति से बचाने के लिए काफी होता है। आफ्टर शॉक्स के बाद ये घर अपने आप अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। ये सब सोचने में किसी फिल्मी सीन या जादू जैसा लगता है, लेकिन पूरी तरह सच है। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जापान में करीब 100 घर बनाए जा चुके हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी इमारतें नहीं हैं, यहाँ तक कि पिछले भूकंप में नष्ट हो चुकी इमारतों को भी इस तकनीक का प्रयोग करके रिस्टोर कर लिया गया है। इस कमाल की खोज के बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।